नमस्ते बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन हम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा दसवीं का पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग दो, इसका सातवां पाठ सौहार्दम प्रकृते शोभा, इसको पढ़ रहे हैं। सौहार्दम भाईचारा, प्रकृते प्रकृति की, शोभा माने सुंदरता है, शोभा है। तो कहते हैं भाईचारा ही प्रकृति की सुंदरता है, शोभा है। और यदि हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो हमेशा देश परिवार समाज आगे बढ़ेगा, और आपस में लड़ते रहेंगे तो समाज पतन की ओर जाएगा। और सभी का इस संसार में अपना अपना महत्व है, और समय आने पर उसका पता चलता है। तो इसलिए हम किसी को कमतर होकर नहीं आंकना चाहिए। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। सभी मिलकर इस समाज का भला कर सकते हैं, और अलग अलग होकर इसका विनाश ही होगा। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहति, वन का दृश्य है, समीप में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति, और तभी एक बंदर आकर उसका पूंछ घुमाने लगता है। क्रुद्धा सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढः। क्रुद्ध सिंह शेर गुस्सा होकर उसको मारना चाहता है, परंतु बंदर तब तक कूदकर पेड़ पर चढ़ता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तो तब ही अन्य पेड़ से दूसरा बंदर आकर शेर का कान मरोड़ देता है, और मरोड़कर पुनः पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। तो इस प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान कर रहे थे, दुख दे रहे थे। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, और क्रुद्ध शेर गुस्सा होकर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गरजता है, परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ होकर ठहरता है, ऐसे रहता है। वानराः हसन्ति, और इसको देखकर बंदर हंस रहे हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। और वृक्ष पर ठहरे अन्य भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियाँ भी शेर के इस प्रकार की दशा को देखकर हर्षमिश्रितम खुश से युक्त कलरव कर रहे हैं, आवाज ध्वनि कर रहे हैं। निद्रा भंग दुःखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरावस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्राभंगेन भाई निद्रा नींद टूटने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीव छोटे से जीव से अपनी ऐसी दुर्दशा को देखकर थका हुआ था, और सर्वजंतुओं दृष्ट्वा पृच्छति, और सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। क्या पूछता है? तो कहते हैं सिंह। तो सबसे पहले शेर ने कहा क्रोधेन गर्जन, गुस्से के साथ गरजता हुआ, हो अहम वन राजा किम भयम न जायते, रे मैं वन का राजा हूँ, क्या आपको डर नहीं लगता? किमर्थम माम एवं तुदंते सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे आप सब मिलकर परेशान कर रहे हो, क्यों दुख दे रहे हो? और एकः वानरः यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, अरे भाई तुम वन के राजा हो, क्योंकि तुम तो वन के राजा बनने के योग्य ही नहीं हो, सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षकः, तुम तो भक्षक हो, क्यों हम सबको तुम मारते हो, इसलिए तुम भक्षक हो और तुम तो राजा बनने के योग्य नहीं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, तुम तो खुद की रक्षा में भी समर्थ नहीं हो, तरी कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो कैसे तुम हम सबको बचाओगे, हमारी रक्षा कैसे करोगे, क्योंकि हम दो लोग मिलकर ही तुम्हारी ऐसी तैसी कर दिया, तो तुम हम सबकी रक्षा कैसे करोगे? तो अन्य वानरः किं न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने सुना नहीं है पंचतंत्र की उक्ति? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परैः सदा
जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतोन संशयः। भाई जो राजा के रूप में होकर भी विशेष रूप से वित्रस्तान विशेष प्रकार से जो डरे हुए हैं परेशान हैं पीड्यमाना परै सदा और जो दूसरों के द्वारा पीड़ित हैं ऐसे जंतुओं पार्थिव रूपेण ऐसे जंतुओं का अर्थात ऐसे प्राणियों को पार्थिव रूप से शारीरिक रूप से जो त्रस्त हैं पीड़ित हैं परेशान हैं डरे हुए हैं ऐसे लोगों की जो रक्षा नहीं करता है सह कृतांत वो कृतांत ही है अर्थात काल है यमराज ही है यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। यदि ताकतवर है और उस ताकत का यदि सही जगह पर उपयोग नहीं कर रहा है तो वो क्या है कृतांत है यम ही है जो दूसरों को मारने वाला है वो रक्षा करने वाला नहीं है। तो आगे कहता है काका तो इतने में कौवा कूद पड़ा बीच में आम सत्यम कथितम त्वया हाँ बिल्कुल तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया है वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्यः वनराज अर्थात वन का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। इतने में पिकह उपहसन अब कोयल मजाक उड़ाता हुआ या हंसता हुआ कथम तुम योग्य वनराज भवितुम कैसे तुम योग्य हो वनराज बनने के लिए वन का राजा बनने के लिए कैसे योग्य हो यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि भाई जहाँ देखो वहाँ पर काका इति इस कर्कश ध्वनि के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को कलुषित करते हो न रूपम न ध्वनिरस्ति ना ही तुम्हारे अंदर कोई रूप है और ना ही ध्वनि है सबको काव काव अपने ध्वनि से परेशान करते हो और कृष्ण वर्णम और तुम्हारा रंग ठीक है काला है इसके साथ साथ मेध्या अमेध्या भक्षकम जो गलत और सही है क्या गलत है सब कुछ खा लेते हो ठीक है और त्वम कथम वनराजम मन्यामहे वयम त्वाम माने तुमको कैसे हम वनराज माने तो तुमको तो हम वनराज नहीं मान सकते क्योंकि कुछ भी तुम खा लेते हो ना रूप है तुम्हारे पास ना ध्वनि है जहाँ देखो वहाँ पर अपने ध्वनि के माध्यम से पूरे वातावरण को कर्कशमय बना देते हो। तो फिर इतने में काका उसका उत्तर देने लगा अरे अरे किम जलपसे अरे अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो क्या बोल रहे और यदि अहम कृष्णवर्ण तरी त्वम किम गौरांग अच्छा ठीक है भाई मैं काला हूँ तो तुम कौन से गोरे हो अभी च विस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा अरे और क्या भूल जाते हो तुम कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण का स्वरूप है कि कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे तो इसी को संस्कृत में कहा अनृतम वदसी चेत काका दशेत अनृतम माने झूठ वदसी बोलते हो झूठ बोलते हो चेत तो काका कौवा दशेत काटे काटेगा भाई इति प्रकारेण इस प्रकार से मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता हूँ तो इसलिए मेरी सत्य प्रियता लोग में प्रसिद्ध है जो झूठ बोलता है वह मेरे से डरता है। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम् और हमारा परिश्रम हम किसी दूसरों के मेहनत का फल नहीं खाते हैं हम खुद मेहनत करके उसका फल का भोग करते हैं। ऐक्यम च विश्वप्रथितम् और ऐक्य एकता भी हमारा संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यदि किसी एक कव्य को भी कोई परेशानी आती है तो हम सब एक साथ जुड़कर उस परेशानी को दूर करने लगते हैं परंतु अन्य पशु पक्षी मनुष्य भी इस प्रकार की एकता को दिखाते नहीं हैं। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते और इसके साथ साथ कव्य की जैसा चाल विद्यार्थी को ही जिसके अंदर ऐसी चेष्टा है ऐसा चाल है चलन है उसको आदर्श छात्र मानते हैं। तो इसलिए ये सारे गुण मेरे अंदर है। पिकह तो इतने में पिकह कहता है अलम अलम अभिकथने न भाई बस बस अपना जो बड़बोलापन है बंद करो बस करो कि बहुत ज़्यादा आपने अपनी आत्म प्रशंसा कर ली अपनी आत्म प्रशंसा को बस करो। किम विस्मर्यते यत क्या तुम भूल जाते हो काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिकः काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः क्योंकि काकः कृष्णः कौवा काला है
पिकाह कृष्णा, कोयल भी काली है। जैसे आपने कहा मैं काला हूँ तो तुम कौन से गोरे हो, तो बिल्कुल सही बात है, मैं भी काला हूँ तुम भी काले हो। को भेद पिक का कयो, तो बताओ क्या भेद है कोयल और कौवे में, तो का वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत समय वसंत ऋतु का समय आता है उस समय में काकह काकह पिकह पिकह कौवा कौन कोयल कौन, तो सबको पता चल जाता है, क्योंकि कोयल अपनी मधुर ध्वनि के माध्यम से सभी को प्रसन्न कर देती है और कौवा हमेशा अपने कर्कश ध्वनि के माध्यम से सबको परेशान करता है। तो इसलिए कहा वसंत समय में पता चलता है कौवा कौन कोयल कौन, तो इसलिए मैं अपने मधुर वाणी के माध्यम से प्रसिद्ध हूँ, परंतु तुम 12 महीने सभी को परेशान करते ही हो। का कह रे परभृत, इतने में कौवे ने कहा रे परभृत, दूसरों के मेहनत पर पलने वाले, अहम यदि तव संततिम न पालयामि, यदि मैं तुम्हारे संतति संतान का पालन न करूं न करता हूं, तरी कुत्र स्यूपिका, तो कहाँ होंगे तुम्हारे कोयल, तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे संतति का पालन पोषण करता हूं। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट का कह, तो इसलिए मैं ही करुणापर हूँ दयालु हूँ, इसलिए पक्षी सम्राट का कह, पक्षियों का सम्राट कौवा है, तो ऐसा कौवे ने कहा। तो इतने में फिर कूद पड़ा अगला गजह हाथी इनके बीच में, समीपतः एव आगच्छन्, अरे अरे समीप से ही आता हुआ, अरे 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 भाई क्या है, सर्वम संभाषणम श्रुण्वन एव अहम अत्रागच्छम, संपूर्ण जो संभाषण है जो वार्तालाप है उसको सुनकर ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अहम विशाल काय, मैं विशाल काय हूँ माने मैं बहुत बड़ा शरीर वाला हूँ, बलशाली ताकतवर भी हूँ, पराक्रमी च, बलशाली होने के साथ साथ पराक्रमी भी हूँ, डरपोक नहीं हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोपि, शेर हो चाहे कोई और भी, वन्य पशुं तु तुदंतम जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, जो वन्य पशुओं को परेशान करेगा, ठीक है, जो परेशान करता है उस जंतु को मैं अपने सूंड से पटक पटक कर मारूंगा। किमन्यः कोप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई है इस प्रकार का कोई पराक्रमी, अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, माने वन का राजा बनने के लिए मैं ही सबसे अच्छा हूँ। वानर, अरे अरे एवं वा, तो इतने में वानर के, अच्छा जी ऐसा है क्या, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विदूय वृक्षोपरि आरोहति, और शीघ्र उसके ऊपर हाथी के ऊपर चढ़ा वानर और उसका भी पूंछ घुमाया और फिर पेड़ पर चढ़ता है। गज तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोड़यितुमिच्छति परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, और जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो हाथी उस वृक्ष को ही अपने सूंड से हिलाने चाहता है, परंतु तब तक बंदर दूसरे वृक्ष पर चढ़ता है। एवं गजः वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च, तो इस प्रकार पेड़ पेड़ घूमता हुआ देखकर, भागता हुआ देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है, उस गज को देखकर बार बार पेड़ बदर पेड़ भाग रहा है, तो इस घटना को देखकर शेर भी हंसने लगा और बोलता है, क्या बोलता है, सिंह भोह गज माम अपि एवं एव अतुदन एते वानराः, हे गज मुझको भी इन्होंने इसी प्रकार, ये बंदर जो है इसी प्रकार मुझे भी परेशान किया था। वानरः एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः, इसलिए तो कहता हूँ मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। येन विशालकायं पराक्रमिनं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजयितुं समर्था अस्माकं जातिः, क्योंकि विशालकाय पराक्रमी और भयंकर चाहे भी शेर हो या गज हो, उन सबको पराजित करने में हमारी जो जाति हमारा जो समूह है समर्थ है। अतः वन्य जंतुनाम रक्षायै वयमेव क्षमाः, तो इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही सक्षम हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्यस्थितः एकः बकः,
यह सब कुछ सुनकर नदी के मध्य में स्थित एक बगुला बकह, अरे अरे माम विहाय कथमन्या, कोपि राजा भवितुमर्हसि। अरे अरे भाई क्या बात है, मुझको छोड़कर कोई अन्य, कैसे कोई अन्य राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। भाई मैं तो शीतल जल में बहुत काल पर्यंत बिना हिले डुले ध्यानमग्ना ध्यान में मग्न होकर स्थित प्रज्ञा अपने प्रज्ञा ज्ञान को स्थिर करके, मन को स्थिर करके, इव स्थिर करने जैसा ठहर कर सभी प्राणियों की रक्षा का उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च, और योजना को बनाकर स्वसभायाम विविध पदम अलम कुर्वाणैः, और जो सभा होगी मेरी उस सभा में भिन्न भिन्न पदों को अलंकृत, जो जंतु हैं उन सबसे मिलकर रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। भिन्न भिन्न पदों को अलंकृत किए हुए जंतु हैं उन सबसे मिलकर रक्षा का उपाय क्रियान्वय में करूँगा, माने उनको क्रिया रूप में लाऊंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्य, इसलिए मैं ही वन का राजा बनने का योग्य हूँ, उस पद प्राप्ति का सबसे बड़ा प्रबल दावेदार हूँ, योग्य हूँ। मयूरः वृक्षोपरितः, अब मोर बोलने लगा अट्टहासपूर्वकम्, अट्टहासपूर्वक विरम विरम आत्मश्लाघाया, किं न जानासि। अरे भाई अपनी प्रशंसा को विराम दो, बस करो, किम न जानासि, क्या जानते नहीं हो, यत यदि नस्यान नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदौ विप्लवेते हनौरिव। यदि न स्यात्, यदि ना हो, स्यात् ना हो, नरपति नरों का पति, मनुष्यों का पति, या सम्यक नेता ठीक प्रकार का नेता, ततः प्रजा तो वैसे ही प्रजा भी, यदि प्रजा का, यदि ठीक प्रकार का नेता और या राजा ना हो तो अकर्ण धारा जलदौ विप्लवेते हनौरिव। जिस प्रकार अकर्ण धारा शब्द का अर्थ होता है जो कानों तक जो जल वाला जो समुद्र है उसमें जिस प्रकार नाविक ना होने पर उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार अयोग्य या राजा के ना रहने पर, ठीक प्रकार का नेता ना होने पर वहाँ की प्रजा का होता है। तो इसलिए प्रजा के लिए हमेशा ठीक नेता होना भी आवश्यक है। तो इतने में फिर मयूर कहता है कौन जानादि तव ध्यान अवस्था, और कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान स्थिति को, ध्यान अवस्था को। स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। अरे भाई कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था को, स्थित प्रज्ञा माने योगी इस बहाने इस व्याज इस कारण से वराकान बेचारे मछलियों को छल पूर्वक ग्रहण करके क्रूरता से उनको खाते हो। धिक्त्वाम, तुम्हें धिक्कार है, तव कारणात् सर्वं पक्षिकुलम् एव अवमानितं जातम्, और तुम्हारे कारण से ही हमारा संपूर्ण पक्षिकुल ही अवमानित हुआ। ठीक है, फिर आगे फिर वानरः सगर्वम् अत एव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय। तो फिर अंत में फिर कहता है वानर, अरे भाई गर्व से मैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, तो इसलिए शीघ्र ही बहुत जल्दी ही राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाइए आप सभी, जितने भी वन्य प्राणी हैं मेरा राज्याभिषेक करने के लिए आप सब तत्पर हो, लगे रहो, लग जाइए, ऐसा कह रहे हैं। तो मयूर इतने में, अरे वानर तूष्णीं भव, अरे भाई वानर चुप रहो, कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के लिए, वन का राजा बनने के लिए। पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एव अहम् पक्षिराजः कृतः। अरे भाई देखो मेरे सर पर राजमुकुट के समान शिखा को स्थापित किया है ब्रह्मा ने, विधाता ने।
और अहम पक्षीराज हृदय और मुझको पक्षीराज बनाया है। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेनापि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना। तो इसलिए वन में निवास करने वाले सभी लोग मुझको वन का राजा के रूप में देखने के लिए अब तैयार हो जाइए। यतः कथम कोऽपि अन्यः विधातु निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। यतः जहाँ से भाई कोई भी इस विधाता का जो निर्णय है उसको अन्यथा करने में कोई समर्थ है, उसको बदलने में कोई समर्थ है क्या? कोई सक्षम नहीं है। तो इतने में का कहा सव्यंग्यम और व्यंग्य पूर्वक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे अहिबुक, अरे सांपों को खाने वाले। अहिबुक शब्द, अहि शब्द का अर्थ होता है सांप, भूख माने खाने वाला, सांपों को खाने वाले की नृत्यातिरिक्तम का तब विशेषता, अरे नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम, तो बताइए ऐसी क्या विशेषता है कि तुमको हम वनराज पद के लिए योग्य माने। तो इतने मयूर यतः मम नृत्यम तो प्रकृते आराधना, तो मयूर ने उत्तर दिया कि भाई क्योंकि जो मेरा जो मेरी जो नृत्य कला है वह प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, देखो देखो मेरे जो पंखुड़ियाँ हैं उनका अपूर्व सौंदर्य है। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितासन, और अपने जो पंखुड़ियाँ हैं उनको खोलकर नृत्य मुद्रा में स्थित होकर न कोऽपि त्रैलोके मत्सदृशः सुंदरः, तीनों लोकों में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौन्दर्येन नृत्येन नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, और वन्य जंतुओं के ऊपर जो भी आक्रमण करने वाला है उसको तो मैं अपने सुंदरता के माध्यम से और अपने नृत्य के माध्यम से आकर्षित करके अपनी ओर उसको वन से बाहर करूँगा। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वन का राजा राजा बनने के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदत च, और इसी बीच में इसी समय में आते हैं व्याघ्र माने बाघ और चित्रकौ माने चीता नदी जल पीने के लिए, और विवाद को सुनकर जो विवाद कर रहे हैं अन्य जानवर पशु आदि, तो उसको सुनकर बोलते हैं व्याघ्र चित्र को अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। चीता और बाघ ने कहा अरे क्या वन का राजा के लिए सुयोग्य पात्र को चुन रहे हैं, चयन कर रहे हैं क्या। एत दर्दम तो आवामेव योग्य, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, और जिस किसी का भी करो हम दोनों में उसका ठीक पूर्वक अच्छी प्रकार से सोच विचार कर और सर्वसम्मति के साथ ही चयन करो। सिंह तूष्णीम भव भो, अरे चुप रहो तूष्णीम चुप हो जाओ भो, युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तो रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक ही हैं, खाने वाले हैं पशुओं को जीवों को ना कि रक्षक। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न बन्यते मन्यन्ते, ये जो वन्य जीव ये सब जो वन्य जीव देख रहे हैं ये सब भक्षक को रक्षक के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलित, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, बिल्कुल ठीक कहा है शेर के माध्यम से। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, और ठीक है और लगभग शेर के माध्यम से बहुत समय तक शासन किया है। पर मधुना तो कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, तो अब तो भाई बहुत समय तक राजा तो शेर ही रहा है, अब कोई पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चेतव्यम निश्चय करना चाहिए। अत्र तो सन शीतिलेश लेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, और यहाँ तो कुछ भी एक लेश मात्र का भी कोई संशय नहीं है कि भाई कोई अन्य कोई राजा बनेगा, राजा बनेगा तो कोई पक्षी ही। फिर आगे
सर्वे पक्षिण आम आम कश्चित खगह एव वनराजः भविष्यति इति। तो सभी पक्षियों ने जोर से उच्चई माने जोर से कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कोई खग कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिंतयन्ति। परंतु कोई भी पक्षी अपने आप को छोड़कर किसी को भी राजा के पद के लिए विचार योग्य ही नहीं चिंतन कर रहे हैं। तरी कथम निर्णय भवे, तो कैसे निर्णय होगा। तदा तई ही सर्वैः गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य विचारितम। तो तब उन सभी के द्वारा गाढ़ निद्रा में निश्चिंत होकर सोता हुआ उलूक को देखकर विचार किया, यद एषः जो यह है निश्चिंत होकर जो सो रहा है, यह आत्मश्लाघाहीन आत्म प्रशंसा से रहित है, पद निर्लिप्त और पद के लालच से भी विमुक्त है, उलूक एव अस्माकं राजा भविष्यति। तो भाई जो ये आत्म माने अपना प्रशंसा से ही भी विहीन है, ना ही पद की कोई लालसा है, अभी तक इसने कहा नहीं है, तो इसलिए यह उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदानीयन्ताम् नृपाभिषेक संबंधिनम संबंधिनः संभाराः इति। तो इसलिए परस्पर आदेश देते हैं कि लेके आइए राजा के अभिषेक के लिए संबंधित जितने भी वस्तु आदि। तो ऐसा कहा सर्वे पक्षिणः सज्जाय गन्तुम् इच्छन्ति तरी सहसा एव। अब सभी पक्षी उसकी तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो तब सहसा अचानक ही कौवा अट्टहासपूर्वेण स्वरेण अट्टहासपूर्वक स्वर से सर्वथा अयुक्तमेतत् यन् मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षि प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवांदस्य अस्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः। अरे भाई सर्वथा अयुक्त है, यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो कहते हैं कि भाई हमारे पास मोर मयूर ठीक है, हंस कोकिला माने कोयल, चक्रवाक तोता, सारस आदि इतने सारे प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहते हुए, दिवांद माने जो दिन में सोने वाला है, जो दिन में जिसको दिखाई नहीं देता है, ऐसे कराल कराल माने जो कठोर जो मुख वाला है, और फिर कहा वक्त्र जो उसका मुख है कराल है भयानक है, और ऐसे जो दिन में अंधा और कलार सॉरी कर्कश या कठोर जो मुख वाला है, ऐसे को सभी लोग अभिषेक के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं आप सभी, ऐसा कह रहे हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमानः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति। और पूरा दिन भर सोने वाला यह हमारा किस प्रकार का रक्षा करेगा। ठीक है, तो इतने में वस्तुतस्तु स्वभाव रौद्रमत्यग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर् भविष्यति। भाई स्वभाव तो रौद्र है, इसका कठोर है, और फिर उग्रम अत्यंत उग्र है, क्रूर है, दया विहीन है, अप्रियवादी है, और उलूक को माने उस उल्लू को नृपति करके क्या किसी का कुछ सिद्ध होगा। भाई इसका स्वभाव तो सबसे पहले तो भयानक है, रौद्र है, उग्र है माने उग्र मीन्स क्रोधी है, क्रूर है, निर्दयी है, अप्रियवादी है, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर क्या कुछ सिद्ध होगा। तो इतने में प्रकृति माता तथा प्रवेशति, प्रकृति माता प्रवेश करती है और कहती है सस्नेहम स्नेहपूर्वक भोः भोः प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संततयः। हे प्राणियों तुम सब ही मेरे संतान हो। कथम मितः कलहम कुरुतम, और कैसे तुम आपस में मितः व्यर्थ में ही झगड़ रहे हो, कलह झगड़े कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिता, और वास्तविकता ये है कि सभी प्राणी अन्योन्याश्रित है माने एक दूसरे का सहारा है। और सदैव स्मरत, और हमेशा याद रखिए, क्या याद रखिए,
ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंते भोजयते चैव षड्विदं प्रीति लक्षणम। तो कहते हैं कि भाई एक दूसरे के सहारा हैं, तो ऐसे में ददाति देता है, प्रतिग्रहणाति जो ग्रहण करता है वापस लेता है, गुह्यम आख्याति जो गुप्त बातें हैं उसको कहता है, माने जो गूढ़ बातें हैं उनको समझाने का प्रयास करता है, और पृच्छति और पूछता भी है, और भुंगते खाता है, और भोजयते खाने के लिए आपको बुलाता है माने खिलाता भी है। ये सब षड्विद ये छह प्रकार के प्रीत लक्षण है, प्रेम के लक्षण है, मित्र के लक्षण है। सर्वे प्राणिना समवेत स्वरेण, और सभी प्राणी एक साथ कहा माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानीमा। हे माता तुम कहते तो सही रहे हो परंतु हम सब तुम्हें नहीं जानते। भवत्याह परिचयः का आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता अहम प्रकृति ही युष्माकं सर्वेषां जननी। प्रकृति माता कहती मैं तो प्रकृति हूँ तुम सबकी माँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते सभी का मेरे लिए महत्व है। यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु। तो यथा समय सबका अपना अपना महत्व है, तो तब तक आप आपस में कलह झगड़ों के माध्यम से अपना समय मत बिताइए। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनम च रसमयं कुरुध्वं। इसलिए आप सब मिलकर प्रसन्न हो जाइए, रसमयम सुखमय अपना जीवन करिए। तद्यथा कथितम तो इसलिए कहा गया है प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्यः प्रजानां तु प्रियम हितम। तो कहा है प्रजा सुखे प्रजा के सुखी होने पर ही राज्यः सुखम राजा का सुख है, माने जब प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी होगा। प्रजानां च हिते हितम प्रजा का हित होने पर ही राजा का भी हित है, माने प्रजा का भला होने पर ही राजा का भला है। नात्म प्रियम हितम राज्यः यदि राजा केवल अपने आत्मा का अपने आप का प्रिय करता है तो राजा हितम ना वो राजा का हित नहीं है। तो प्रजा नाम तो प्रियम हितम जब प्रजाओं का प्रिय होगा तब ही राजा का हित निहित है। तो इसलिए हमेशा राजा को चाहिए प्रजा का सुख दें, प्रजा को सुख दें, सुखी रखें और प्रजा का हित करें हमेशा, तभी राजा का हित सुख उसमें निहित है। अपिच और भी कहा है अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। और कहते हैं अगाध अत्यधिक जल से युक्त समुद्र में रोहित नामक मछली रहने के बावजूद भी गर्व घमंड नहीं दिखाता, परंतु अंगुष्ठोदक मात्रेण एक थोड़ा सा जल में शरफरी नामक मछली अपने आप को बड़ा उछल कूद करता रहता है, अपने आप को बड़ा समझता है और घमंड दिखाता है। तो इसलिए अतः भवन्तः सर्वेपि शरफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय। इसलिए तुम भी एक एक व्यक्ति के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षायै च प्रयतन्ताम। तो इसलिए तुम सब मिलकर एक दूसरे के टांग खींचने को छोड़कर सब मिलकर प्रकृति की सुंदरता और की वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती सभी लोग प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं, संकल्प लेते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। तो कहते हैं प्राणिनाम प्राणियों का जायते होता है हानि, प्राणियों की हानि होती है परस्पर विवाद आपस में विवाद करने से, एक दूसरे से झगड़ा करने से नुकसान ही होता है, और अन्योन्य सहयोगेन और एक दूसरे का सहयोग से लाभ तेषां प्रजायते उनका लाभ ही होता है। दूसरे हम आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो सबका भला होगा, और एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। धन्यवाद।